के गन लोगों के यहाँ टंगे हुए देखी है। तीन थे, तीन थे, वो बैठा सामने है। हाँ। सामने बैठा है जो खाना तकसीम कर रहा था। हाँ। बट बार नहीं आना, बट बार नहीं आना। लेकिन मैं कैसे अब इतने 5500 का मजमा बुला के मैं अंदर ही बैठा रहूँ, ऊपर से ऐसे ऐसे करता रहूँ और वो चले जाए। बचपन की ईद के अभी के बचपन की ईद तो बहुत मजेदार होती थी। मैं तो कोशिश कर रहा होता था कि 9 बजे नींद आ जाए और 9 बजे के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, हम तीसरी बार स्टार्ट ले रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवर ज़ुल्करनैन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जलाल भी, आज तो बड़े चमचम कर रहे हैं। बस ये अपना ब्रांड लॉन्च किया है मैंने। अच्छा, किस नाम से? जलाल से टायर। अब बीच में कोई बोला? हाँ। अब बीच में कोई बोला? बहुत हिम्मत है तो यार जो हमारे नहीं नहीं बड़ा पठानी ना है वैसे ब्रांड साजिश पिशावरी ब्रांड इस तरह से साजिश की बुआ आ रही है मुझे। नहीं देखिए आज गेस्ट टाइम है हमारे। मेन प्रोडक्ट कौन सा है? बनानी? नहीं 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 नहीं, जिसकी मॉडलिंग यही करेगा। नसवार टायर यार, देखो ये पर्सनल हो गया। और ये रजब, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पठान फैन जो है ना। नहीं हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब और प्रमोट हो। नहीं 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 रजत भाई, अच्छा अगर किसी पठान का होगा ना ब्रांड इस तरह का तो वो नसवार को सबसे ऊपर रखेगा, क्योंकि वो उनकी एक मतलब स्वीट डिश है भाई। आपने कभी खाया है? कभी कभी खाई आपने नसवार गोश्त? खाया कभी? नहीं, नसवार गोश्त मैंने नहीं खाया। खाना आपने? यार मुझे लगता है कि तुम लोगों को इंट्रोड्यूस तो करवाने चाहिए आज। इनको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे कि आज चांद रात है तो हम लोगों ने चार चांद लगाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे बुलाए हैं दो चांद। लेकिन मसला है कि दो तो आ गए तो फिर दो और आ जाते तो फिर जरा पूरा चार चांद हो जाता ना। चांदियां? अच्छा आप भी चांद हैं? मैं सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है। मेरी बहन को चांद चांद ग्रहण है। मैंने अभी ये चांद है बस, सूरज ग्रहण है। देखो घर तो मैंने इसके साथ ही जाना है। हां सही है। चंदा मामा है? चंदा मामा दूर के, बहुत दूर के। मुझे लग रहा था मेरी बहन मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ अभी, हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। जलाल भाई ने नहीं, मेरे ख्याल डाइट का हल्का फुल्का सा ख्याल किया हुआ है। रजब ने ना मुझे डाइट प्लान लिख के भेजा था। झूठ बोल रहे हैं, मैंने जरा नहीं दिया। मैंने दिया तो इस तरह की हल्का 15,000 रुपीस चार्ज किए थे इसने मुझसे। हाँ जी कितने? कह रहे कि मैंने किया होता तो इस तरह की हालत ना होती। यार देखो मसल्स वगैरह कितने कितने कितने। अच्छा नहीं किए थे यार, फ्री में दिया था यार। कितने का आउटफिट है यार? ये नहीं बता सकता मैं, बताओ ना। ये जो है ये पीआर में आया मुझे। प्यार? किसने कौन सा प्यार डाल दिया यार तुमने? बेगम ने प्यार में दिया है मुझे। बेगम ने प्यार में दिया है? अरे जो तुम्हारा माशाल्लाह, ये भाई सिलवाया है 1500 रुपए का और सूट है 4000 रुपए का। क्या बात है। सूट कितने का? 4000 रुपए। मेरा यार बस वो एक घर पे कंबल था खराब हो गया, मैंने उसकी पैंट सिलवा ली। ये बोरी थी आटे की मेरा ख्याल है। हाँ सही बात है, एक बारी कदर की बोरी आ गई थी। और ये तूने वो कुकू का उतार के पहन लिया? कुकू का नहीं है भाई, फिर मेरा ही है। अच्छा तेरा अपना है? हाँ, प्यारा लग, प्यारा लग, अच्छा प्यारा लग उसमें मुझे। मैं कहा आप अकेले ना फील करेंगे सर मुझे पकड़ा हुआ। नहीं बहुत हम आपस में चलते हैं, टच चलाई है। आज चांद रात है वैसे। ओए यार व्हाट अ नॉलेजफुल बात यार, वाह बाबा क्या बात की तुमने यार, हमें तो पता ही नहीं था ब्रो। बहुत मजे की बात की आपने। क्या चांद रात है? पहले तो आप सबको चांद रात बहुत-बहुत मुबारक। आप सबको भी चांद रात बहुत मुबारक। आप सबको चांद रात मुबारक। हम चारों की तरफ से आज का दिन बहुत खुशी वाला होता है। जब बच्चे होते थे तब तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। अल्लाह की कसम हूं तो जरा खुशी वाला नहीं का। मैं हूं ब्लॉग एंड करके आया, मेरा 80,000 रुपया लगा। मैं तो कहता हूँ चंगा सीधा 29 में बाद ईद आ गई चांद रात में। चांद नहीं 80,000 कैसे लगाया यार? आपकी भाभी को सूट लेके दिया, अम्मा को लेके दिया, मिनसा को लेके दिया, फिर मैंने अपनी भांजी की एक टोकरी तैयार करवाई है। खैर वो तो इतनी नहीं, वो टोटल लगा रहा हूँ 80,000 रुपया मेरा। बहन को तो लेके नहीं दिया कुछ? बहन के पास किसी चीज की कमी ही नहीं है यार। देखो कमी खत्म की चीजों की होती है हमेशा। पॉडकास्ट खत्म हो गया भी, आपने भी कुछ लेके दिया। मैं लेके आया हूं आपके लिए भाई। मैंने कहा है कि पॉडकास्ट खत्म हो गया। नहीं ना हुआ आपको जुल्कर के ब्लॉग में नजर आ जाएगा सारा कुछ क्या होगा। अगर मैं कुछ नहीं लिया सिर्फ जुल्कर से नहीं लिया, उसके पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है, वो मुझे देगा। उसकी शक्ल ज्यादा है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, इज्जत है, है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या पता नहीं गाल कटने लगा यार को चांद रात से।
यार कोई चांद रात से रिलेटेड भी बात कर लो। हाँ करेंगे, तुम लोग ही अपनी छोड़ोगे तो फिर करेंगे ना, तुम लोग तो अपनी शुरू की हुई है ना। छिछोरापन स्टार्ट है यहाँ पे, छिछोरापन। अच्छा यार तो कोई सोफिस्टिकेटेड बंदे बुला लेने थे, की गल है यार। सोफिस्टिकेटेड बंदे हमने तो लग रहा था, सोफिस्टिकेटेड बंदे नहीं लग रहे थे हमारे, लेकिन आज नहीं लग रहा, हम है ही नहीं भाई आज, हमें लग रहा है। सवाल करें यार, सवाल करके मुझे बता दें इनका। लाल भाई आपको खुली चलो था, जो आपका दिल करा सवाल करें। मुझे ही बताओ तुमने कितने रोजे रखे हैं? मैंने मैंने तीन छोड़े, बिकॉज तबीयत खराब थी, मैं वॉमिटिंग वगैरह फिर ट्रिप्स वगैरह लग रही थी, तो वो तीन छोड़े मैंने। तो अब ये तीन किस तरह कवर करोगे? वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को 5500 बंदे को रोटी खिला दिया मीटअप पे, तो कवर हो गए। अबे वो सारे नहीं मस्कीन मस्कीन को खिलाते सिर्फ। हां ना, अच्छा चलो मैं अपने दोस्तों को खिला के समझ रहे, बस मैंने खिला दी सबको, अब कवर। अल्लाह 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 अल्लाह, चलो खिला देंगे यार, ईद के बाद रख लूंगा तीन, क्या हो गया? आपने कितने रखे? आपने कितने रखे? आपने कितने रखे यार? मैंने भी तीन छोड़े हैं। तीन छोड़े हैं ना, मुझे लगता है एक में गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा, बिकॉज तूने तो बीमारी की वजह से छोड़े हैं। हाँ। तो अगर कुछ तोड़े शायद उसके लिहाज से हैं कि 60 मिस्कीन हो, पता नहीं एग्जैक्ट नहीं पता मैं ऐसे कोई, लेकिन वो क्लियर कर लेंगे। हां वो क्लियर कर लेंगे, तू भी क्लियर। एग्जैक्ट पता नहीं भाई, जिक्र तूने कितने छोड़े हैं भाई? मैंने कोई नहीं छोड़ा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपका हक बनता ही, अल्लाह ताला बस आगे आने वाली जिंदगी में भी मुझे तौफीक दे, बल्कि आप सबको भी तौफीक दे। आमीन 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 पूरे रखे। आमीन। वैसे अगर हम लोग यही रमजान के बारे में बात करने वाले, वैसे काफी जल्दी गुजरा है बहुत ज्यादा। वैसे तो कैसा ठंडा ठंडा था ना, कोई गर्मी भी इतनी खास नहीं हुई, जबकि वो आ गया था और इस दफा फील भी नहीं हुआ। अप्रैल आ गया, चल रहा गर्मी हो जाती है, कोई गर्मी नहीं हुई। जो लगता है ना जल्दी गुजरने के पीछे वजह है कि दिन ना छुट्टी हो गई, पहले 24 का था अब 19 का हो गया यार, 19 घंटे का। पक्षी चलने वाला बंदा हूँ, टाटा सर के बैग है। जलाल भी ये दोनों आपस में बात करते हैं, हम लोग घर से आप लोग आए यार थोड़ी देर तक, हम थोड़ी देर। अच्छा पूछें सवाल, आपको सवाल ही कोई नहीं जलाल भाई यार, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, करें करें पूछें हमारे पास। क्यों नहीं, नहीं तुम लोगों ने क्या तैयारी की है? नहीं, गल सुनो, ऐसा सवाल है करण वाला, मैं 9 क्लास का बच्चा हूं, मैं नानो के घर जाऊंगा, नानो से 50 रुपीस दीदी लूंगा, ये मुझे आज का पॉडकास्ट करवाने का मकसद ये था कि सब लोगों ने ईद वाले दिन मसरूफ हो जाना है, अपनी अपनी मसरूफियात में, तो हम लोग बैठ जाएं, बैठ एक तो गेट टुगेदर हो जाएगा, गेट टुगेदर हो जाएगा, और ये प्रॉपर कोई पॉडकास्ट नहीं ना, यहाँ पे हम सवाल करेंगे, ऐसे शुगर चलता रहेगा। अच्छा वैसे मुझे बताओ कि ये तो सवाल वैसे हमेशा से चलते आए हैं हर पॉडकास्ट पे, हर इंटरव्यू पे, कि बचपन की ईद या चांद रात ज्यादा अच्छी थी या जवानी की, अब की? बचपन की 110%, एक अलग सी एक्साइटमेंट होती थी ना कि नानों के घर जाना है, नानो अलग पैसे दे रही हैं, नाना वो अलग दे रहे हैं, अब तो ना खैर नाना वो रहे ना ही नानो रही, ठीक है मामू अभी देते हैं, लेकिन मनु नहीं देने, कहते भाई तेरे को थोड़े को बोते ने तो अब तो खैर देने दिलाने वाला सीना, जब मिल रहा होता था ना तब बड़ा मजा आता था। अच्छा सिर्फ पैसों के लिए ईद अच्छी थी या यार, और भी बचपन में आपको उस चीज की अट्रैक्शन भी थी, आपको उसका एक चार्म भी था, अब नहीं है खैर इतना चार्म। हाँ ये है कि चलो एक अच्छा दिन है, सारी फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो जाता है, अम्मा को लेके कब्रिस्तान चले जाते हैं ननकाना साहिब, तो बस यही है और तो खास कुछ भी नहीं। इस साल फर्स्ट टाइम ईमान भी साथ होगी, तो देखो इस साल कैसी ईद होती है। अदरवाइज जो एक्साइटमेंट थी ना वो बचपन में थी, जब तक नाना नानी थे बस। लेकिन इस बार की तुम्हारे लिए ईद जो है वो काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो इस तरह वाला सीन नहीं था, ये रजब जो आज रजब है वो लास्ट ईयर इस तरह रजब नहीं था। आज आज माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है। नहीं तो पहले पहले मेरी बिस्ती हुई थी नहीं, पहले थोड़ी सी कम इज्जत थी ना, पहले नहीं फेम नहीं था ना, हां ना फेम के लिहाज से कह रहे हैं, देखो मशहूर हो गया नहीं तो मैं मशहूर होगा तो मैं ईद की लोगों ना करने नहीं, पागल एक चेंजेस भी आ गया ना, मतलब एक चेंज ये आया कि अच्छा मैं को बात कोशिश कर रहे झुकते लगाने, मैं शुगर लेना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप हंसे खेलें और ठंडी मार रहा है। मेरी बात सुनो, अभी एक ये भी तो चेंज आया ना कि ईमान आपकी लाइफ में आ गया और साथ ही साथ माशाल्लाह माशाल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है हां वो है इतनी बड़ी फैमिली, तो उनको खुश के लिए या उनकी ईद को देखने के लिए या उनको अपनी ईद अच्छी दिखाने के लिए रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं प्लान है वैसे, मतलब कि ईद पे भी कोई, क्योंकि अभी रिसेंटली मीटअप किया है, कुछ है इस तरह का ईद पे? अच्छा मैं भी रास्ते में सोच रहा था कि मैं ना एक मतलब फैमिलीज नहीं, अपने यार दोस्त, अपने जो भाई हैं सारे चैनल के जितने मेंबर्स हैं, एक हल्की सी अनाउंसमेंट कर दूं कि ईद पे इस जगह पे आ जाना,
ईद मिलने वक्त हम सारे, लेकिन पता मुझे क्या होता है, मैंने अगर बुला लिया ना तो मेरा ईद का सूट भी गया, ठीक है, तो होते फिर निजाम भी तीन चार और भी लोग ले आएंगे। अच्छा रिजब, तुम्हें नहीं लगता, मतलब मुझे तो ये लगता है कि मीटअप करवाना अच्छा, उसको नहीं जाएंगे, उसको किस लिए बुलाया, वो बेचारा नहीं और यार डर नहीं लगता जैसे इस बार भी था कि दो तीन कमल खुदा दी किस्मत डरना वाला कीड़ा ही नहीं है, और ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं जितनी ऑडियंस बच्चों में भी देख रही है या मेरी मेरी एज के भी देख रहे हैं ना, अगर अभी की लाइफ में आपको सर्वाइव करना है ना तो आपकी आपके दिल में आपके दिमाग में आपकी डेली लाइफ में इतना सा डर होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। बिल्कुल ही सिद्धू मूसे वाला बनने की जरूरत नहीं, हाँ, क्योंकि वो भी मारा गया, क्योंकि जलाल भी इसने जब बताया था ना हमें मीटअप का मुझे जुलकर ने, तो हम दोनों ने यही मशवरा दिया था कि भाई मैं तो कह रही थी कि ना करो, कहा था ना कर, मैं तो कह रही थी ना करो ना करो, क्योंकि मेरे कजन्स ने कहा था भाई ना कर, क्योंकि उससे पहले ये तो पर्सनल है यार, मैं हर चीज व्लॉग में वो चीज नहीं बताता जो कि मुझे मना की गई है कि यार आपने जो है ना वो खौफो हरास नहीं फैलाना। हाँ। जिस तरह के मुझे फोन आते हैं, इसको पता है, इसको पता है, ठीक है, मेरे कजन को पता। जब ये तू पॉडकास्ट पे गया था इसे मुझे वॉइस नोट किया था कि रतनैन कुछ लोग ना, मतलब ये बाहर जब जाने लगा था, जाने से पहले बता रहा था कि मुझे एक मेरे भाई दोस्त ने बताया जिसने के गन्स लोगों के यहाँ टंगे हुए देखी है, तीन थे वो बैठा सामने है, सामने बैठा है जो खाना तकसीम कर रहा था। बट बार नहीं आना लेकिन मैं कैसे अब इतने 5500 का मजमा बुला के मैं अंदर ही बैठा रहूं या ऊपर से ऐसे ऐसे करता रहूं और वो चले जाएं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं फिर गया, लेकिन यार वो भाई इस तरह की कुछ सिक्योरिटी मामला हूँ कि आप बिल्कुल भी बेखौफ हो जाओ, और इस तरह वो है नहीं, एक क्रिएटर नहीं अरेंज कर पा, पॉसिबल नहीं, कोई भी नहीं अरेंज कर भाई, मैं नहीं अरेंज करता, मेरे सिक्योरिटी अरेंज करती है ना किसी भी प्रोटोकॉल के लिहाज से भाई, वो भी 24/7 उनके पास नहीं होते, वो जिसके पास जा रहे होते हैं ना वो उसको देते हैं, ठीक है। अब आप किसी ब्रांड के पास जाते हो ओपनिंग पे, आप अपने पोस्ट लगा देते हो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना कि जी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जब आपने जाना है तो आपका वहां पर सारा प्रोटोकॉल, आपकी सिक्योरिटी इंतजाम सारा वो ब्रांड करता है या वो मॉल करता है, आप नहीं इतने बंदे अफोर्ड कर सकते। मैंने एक बंदा रखा हुआ है, ठीक है, जो मेरे साथ आता है जाता है हर जगह, इसको पता है, लोगों को भी पता है, मैं 60,000 का महीना पैंता हो, 60,000 मैं की लोड है यार, मुझे कोई ऐसा वो मतलब अल्लाह माफ करे कोई शौक नहीं है कि मैंने शोखी मारनी है, गार्ड मेरे साथ है भाई, वो सर पे जिम्मेदारियां हैं, अभी माँ की है, बहन की है, फिर बाप की है और अभी मान की भी है। हाँ। तो वो जरूरत है, और yes. भी अकेले के लिए भाई भी तो, हाँ जी, मतलब सबसे ज्यादा ये टेंशन है कि अकेले भाई तो ये है, हम ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एक और बड़ा जरूरी सवाल है, मैंने इसलिए पूछना था, मेरे जहन में था इसका, एक ये भी सीन है कि ये रिस्पॉन्ड भी करता है लोगों को, मैं नहीं छोड़ता अपने, एक और हम पॉडकास्ट करके आए हैं वहां पर भी मैं रगड़ाया हूँ, एक चीज जो हुई हुई थी बड़ी वायरल हुई थी हमारे एक सेलिब्रिटी की, मेरे से उसने सवाल पूछा, मैंने टक अच्छा, मुझे नहीं इस बात मैं कहा नहीं नहीं आपने भी सवाल वो बड़ा किया हुआ है, मैंने उसे कहा मैंने, यार आपका एक सवाल नहीं हुआ डेली व्लॉगर्स के ऊपर कि अपनी फैमिली सेल करते हैं, ठीक है ना, मेरे से उस पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया, मैंने वो नाम नहीं ले रहे, मैं कहा तू ना लाया खोल के, मैंने किसी का भार नहीं है, ठीक है, मैंने तो नाम भी लिया था, हाँ तो वो बचा नहीं ले रहा था, ठीक है, तो वो आएगा पॉडकास्ट में, आने वाला होगा, ईद के बाद ही आएगा। तो वो मैं जो बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो मुक्ति मुकाती बात यही है कि थोड़ा सा डर का एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभा सकें, और इस जमाने में आजकल के टाइम पे जहाँ पर हाथ की या फिर मुंह की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई है इस पिस्तौल की, और जितना बच सकते हैं अपने आप सर्वाइव करें, मेरा भी यही, मुझे अपने अंदर बुरी आदत नहीं है कि डर का एलिमेंट नहीं है, मैं भी यही होना चाहिए, बिल्कुल कि नहीं करनी चाहिए, जो काम के घर का कर जो खैर कोई गली देखी जाएगी, नहीं होना चाहिए। अच्छा जुल्कर आप बताए बचपन की ईद के अभी की, बचपन की ईद तो बहुत मजेदार होती थी, बिकॉज मैं तो कोशिश कर रहा होता था कि 9 बजे नींद आ जाए, और 9 बजे के बाद वो ये कहना चाह रहे कि ये कहना चाह रहा कि अब आपके साथ ईद की अच्छी नहीं है, क्या मसला है यार, तुम लोग लड़ाई, हम लोग क्यों ले जाते हैं, हम लोग अभी मियां बीवी नहीं है, अभी हम दोस्त हैं, और बचपन की ईद में ना 9-10 बजे ना सोने की कोशिश करनी, बस जल्दी जल्दी से रात गुजरे और सुबह का दिन चढ़े, फिर सुबह उठ के पिस्तौल लेंगे, पिस्तौल का अपना ही मजा था यार, चलने वाली सारी ईदी की मैंने पिस्तौल ले लेनी करी, सही बात है, मेरा तो ये वाला दांत टूटा हुआ है, जैसे जंग कर रहा था, एक टीम उस तरफ थी एक टीम मेरी, सेम 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 सेम, जंग हो रही है और मेरे ना दांत पे आकर वो शर्रा लगता है, मेरा दांत नीचे से ना अभी भी स्टिल टूटा है भाई, उस चीज का बहुत क्रेज था, खासकर छोटी ईद पर, छोटी ईद पर बच्चों को यही होता था, जो सारे मोहल्ले के बच्चे ना मिलजुल कर, उनमें से एक आधे अमीर भी होते थे हमारे मोहल्ले में ना, ज्यादा अमीर होते थे जो ज्वेलर्स,
ताजर ताजर हाँ क्योंकि टक्की पे सारे ज्यादातर रहते हैं वो सिल्वर कलर के इतने छोटी छोटी बड़ा मजे का सीन यार बहुत 300-350 का उस टाइम पे पंप आता था और टोटल ईदी ही मतलब 200-250 होती थी 200-250 मजेदार ईद बचपन की थी अभी भी ठीक है शुक्र अल्लाह का जहां अल्लाह की ज़ात में मतलब इस एज में आके मतलब जो हमारी बीवियां चाम इन लोगों की लड़कियों की मतलब हम सबकी ना एक दो तीनों की बीवी होती तो मुसलमान नहीं है ना तो फिर लड़कियों को क्यों रहता है आपकी कैसी अच्छी थी आपकी मेरी बात सुनो जलाल भाई आपकी कौन सी ईद अच्छी थी बचपन वाली या बुढ़ापे वाली यार बचपन आप ये काटे आपकी ईद अभी वाली अच्छी है भाभी के साथ या फिर बचपन वाली भाभी के साथ ये वर्ड जो है ना ये गलत वो हो गया बीच में लेकिन ये कि बचपन की ईद तो आपने सवाल से ही नहीं पूछे आपने पूछना था कि आपकी ईद अब बेगम के साथ अच्छी जा रही है या नानों का अच्छी थी नहीं हम क्यों बेगम का कहें क्या हो गया ईद ईद है देखो जरा मैं चाह रहा हूँ इधर सारा तो आता फर्क है भाई तेरे में भी पढ़ेंगे मेरे घर वाले आई नहीं वो पॉडकास्ट ही नहीं देखेंगे नहीं क्यों हम जबरदस्ती दिखाएंगे ऐसा नहीं है तीन चार तो हैं पेजेस जिसको फॉलो करती हो यार क्योंकि चांद रहा है इसलिए यार तू क्या नॉलेजेबल बातें कर रहा है अल्लाह की कसम यार मोमबत्ती बजा तू ओके तेरे पानी से वो धूल कितनी उड़ी है अच्छा की कसम इससे नहीं आग 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 आगे पीछे हुई है आग आ गई आग चले बहन आपने कुछ भी नहीं पूछा आज हाँ जलाल भी आपने बहुत कुछ पूछ लिया जलाल भी आज मुझे पहली दफा कह रहे हैं बहन आपने कुछ नहीं पूछा फिर मैं चांद रात से रिलेटेड क्या पूछूं मुझे ये बताएं खासकर लड़कों से हाँ लड़कों से क्या पूछूं हाँ अब मैं आप पूछूं मेहंदी कह रहे जिन्होंने पूंडी करनी होती है पॉडकास्ट यहाँ पर एंड होता है जी पॉडकास्ट यहाँ पर एंड होता है ये गुलकरण से आपकी मुलाकात होगी जंगल फिर दोस्त में अभी पता क्या होगा कि ये 10-15 मिनट बाद जब पॉडकास्ट एंड होगा ना यहाँ पर सारी चीजें बिक रही होंगी ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं यही सेंटर में लटके गए मुझे ये नहीं समझ आ रही मतलब तुम लोग लड़के हो तुम लोगों से क्या पूछूं कि यार चूड़ियां ले ली मैंने यार बताता हूं क्या करके आया हूं मैंने अभी ईमान को सूट लेके दिया पहले दे दिया होता लेकिन अभी गए उसको पसंद आया वो ले लिया अम्मा को लेके दिया क्योंकि ईमान नाराज थी आप लोगों को पता ही है मैं कराची चला गया था बताए बगैर ठीक है अच्छा मैं कभी नाल दी गली जाऊँ ना मैं उतो भी नहीं दसिया तो नाराज हो गया आप कराची गए बता के नहीं गए मैं कहा ठीक है ये वाला भी काम होता हाँ, तो आप शहर से बाहर पहली पहली शादी है ना शहर से बाहर जाए पता नहीं कौन सी गंदी रुआ शैतान छूटा है ना डायरेक्ट अम्मा को सूट लेके दिया ईमान को लेके दिया ईमान को चूड़ियां लेके दी फिर अम्मा को चूड़ियां लेके दी उसके बाद मेहंदी लेके दी मेहंदी लगवाने पार्लर छोड़ के अब यहाँ से वापस जाऊंगा उनको पिक करने और फिर उसके बाद यहाँ आ गया मैंने तो ये किया तू बता बेटा तुमने किया मैंने लगवाई है वो तुझे पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा ना अभी मैं ऑन एयर दिखा नहीं सकता पर तुम मतलब सैलून लड़के जाते हैं ना चांद रात में हम जाएंगे ना हमारा सैलून वाला कह रहेगा फेशियल क्यों करेगा खाते कर आके तो हम चम चम हो जाते हैं बस चम क्यों यार वो भी तो होना चाहिए फेशियल उसकी हाथों की मैं जरा अपने चेहरे पर उनको कवल ने मुझे कहा कि साथ चलो मैंने कहा नहीं मैं नहीं साथ जा सकता बाजार में तुम भी जाओ ये उनको चूड़ियां दिलवाते मैंने घर पर बैठ के सुकून से ना एक सीजन शुरू किया हुआ वो देख रहा था तभी ये वापस आ जाती है और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर बाद जाना है गुजरात के लिए हाँ आप लोग जा रहे हो बिकॉज़ हम लोग ईद वहाँ करते हैं हमारी चांद रात ऐसे गुजरती है तूने वो कर दिया काम शाम बर्तन बर्तन पैकिंग हर चीज कर लिया बर्तन भी धो लिए पैकिंग भी कर लिया क्यों मैं अभी डरूंगा मैंने सारे काम कर दिए हैं मैंने बर्तन भी धो दिए कपड़े भी धो दिए सारे काम कर लिए अच्छा वो यहाँ पर नहीं था ना यार ये कट कोशिश कट कर रहा है ये कट करके प्रीव्यू में डाल देना ठीक है स्त्री जो कहे हैं वो भी नहीं बताएंगे किसी को कोई मसला नहीं जो कपड़े करने कपड़े
चड्डी खोल, तुम्हारी वाली तो चड्डी खोलती है। जलाल भी आप बताएं आपकी चांद रात कैसे गुजरती है। मेरी चांद रात पहले तो बहुत ही मतलब कि इजी सीन होता था, और इस बार चांद रात जो है क्लियर करना पड़ता है। जलाल भाई से सवाल करो, जलाल भाई से सवाल करो, उसके बाद सो जाओ। जलाल भाई अपनी बेगम के बारे में कुछ कहने लगे, पहले तो बहुत अच्छी गुजरती थी। मैंने कहा पहले बहुत इजी सुकून से गुजरती थी, अब बहुत अच्छी गुजरती है, बीवी होती है साथ। फर्क क्या है किसमें, कि बीवी हो या ना हो। यार मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा कि अब अच्छी है बेगम के साथ या पहले अच्छी थी नानो के साथ। यार बेगम के साथ बहुत अच्छी है। और पहले कन्फर्म कन्फर्म जनती जनती है जनती है कन्फर्म जनती है कन्फर्म रणमुरीद है कन्फर्म। यार आजकल जमाने ही ये है, जुल्करनैन से पूछ लो। हैं जुल्करनैन ऐसे सबको लगता है। कौन सी शर्लो वाली? वो एक बात याद आ गई, गोली मारने पर एक ना मेरा दोस्त है क्रिएटर, वो ना टिकटॉक पर काफी फेमस है, पता है वो बात उसके वाली बता। उसका ना एक साथ दोस्त है, उससे ना जो फेमस क्रिएटर है ना उसको कहा कि यार तू इतना फेमस है मुझे भी फेमस करवा दे ना, कोई वीडियो शीडियो मेरे बारे में। पूरी गल दस, पूरी गल सुन तो दस। वो इतना खतरनाक है, उसने नाम शाम सब कुछ बायो डाटा सब बता दे। मैं दसना खोल के गल दे, नाम ना ले, नाम ना ले। सुन तो सही, कहता है कि भाई वो ना मेरे साथ कोई वीडियो शीडियो बना, मैं तेरे तेरी वीडियो में आता हूँ, तो मेरी वीडियो में ऐसे मैं फेमस हो जाऊंगा। वो जो फेमस क्रिएटर है उसने कहा हाँ ठीक है यार मसला ही नहीं है, ऐसे करते हैं हम लोग। वो ना जो फेमस क्रिएटर है उसने उसको वीडियो में लिया और वीडियो शीडियो बना दी एक ऐसे ही चवल मार दी एक। हाँ एक ऐसे ही ना मतलब कोई कैंपेन चला दी उसके लिए। वो कैंपेन चली ना तो लोगों ने इसको फॉलो करना तो शुरू कर दिया जो नॉन फेमस था। फॉलो के साथ साथ ना उसकी वीडियो के नीचे गालियां देने भी शुरू की। अच्छा दो तीन ये बात मुझे भी याद आई, फेमस हो गया ना, ये अभी परसों हुई थी, गालियां देके फेमस हो गया। दो तीन दिन बाद ना जब वो फेमस हो गया मतलब फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, व्यूज ज्यादा आने लगे, कमेंट्स ज्यादा आने लगे। जब वो फेम मिलता है तो साथ में हेट भी मिलता ही है ऑब्वियसली, उसको ज्यादा मिल गया थोड़ा सा पहली वीडियोस पे मिले, पहली वीडियो पे। अल्लाह वो दो तीन दिन बाद जो फेमस क्रिएटर था ना उसने नॉन फेमस क्रिएटर को कॉल की कि भाई किधर है वो, तूने वीडियो क्यों प्राइवेट कर दी है, तेरी तेरी प्रोफाइल पे मैं वीडियो नहीं देख पा रहा। वो कहता रुक रुक मैं कॉल करता हूँ तुझे, कॉल करता हूँ रख अभी। अच्छा वो जी फिर दोबारा से कॉल करता है 10-15 मिनट, कहता किधर है यार वीडियो क्यों प्राइवेट, कहता यार रुक जा मैं बिजी हूँ, बस पकड़ा गया पकड़ा गया, फड़ लिया बंदा, फड़ लिया बंदा, फड़ लिया, पकड़ो इसको जल्दी जल्दी पकड़ो। वो फेमस क्रिएटर ना परेशान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है यार, फिर ना उसको गुस्सा आ जाता है। तीसरी दफा वो कहता है यार ये क्या चल रहा है, क्यों मेरी कॉल बार बार कट कर रहा है, आखिरकार तू कौन सी टेंशन में, क्यों वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, मैंने तुझे फेमस करने के लिए ये सारा सीन प्लान किया, मेरी कैंपेन खराब कर रहा है। हाँ कहता यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं आया हूँ एक जगह मतलब लाहौर शहर में, अगर वो रहता है ना तो वो लाहौर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर, 250 किलोमीटर का सफर करने के बाद दूसरे शहर में पहुंचता है जहां पर वो था उस वक्त, और एक बंदे का गिरेबान पकड़कर उसे मार रहा होता है। तो जो फेमस क्रिएटर है वो पूछता है भाई क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है उसको। कहता यार मैंने तेरे साथ वीडियो लगाई है, इसने नीचे आकर कमेंट कर दिया, ये क्या मतलब गंदी माँ की गाली निकाली, माँ की गाली निकाली इसको, माँ की गाली देखकर कहा इसकी शक्ल है फेमस होने वाली। तो कहता तो तू उधर क्या लेने गया फिर, कहता इसी बंदे ने कमेंट किया था मैं इसको मारने आया। लाहौर से उधर चला गया, किस्सा जनमन किस्सा, ये असल किस्सा है। मैंने कहा भाई जो तेरा ये नॉन फेमस दोस्त है ना वो कभी भी फेमस नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो कमेंट पढ़ता जाके। क्योंकि आपको कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा मुझे यहाँ से एक बात याद आई, कोई बचपन का ऐसा किस्सा या अभी का चांद रात का कोई किस्सा रिलेटेड हो जो बड़ा याद है, हंसते हो या रोते हो या कुछ भी इस तरह से। मेरा तो है एक बचपन का किस्सा, मुझे ना पिस्तौलों शिस्तौलों का शौक बहुत था बचपन से। मेरी अम्मा ने मुझे लेके दी पिस्टल, उस टाइम पे वो 900 की आई थी, डब्बे में पैक होती थी, लोहे की थी पूरी ना, लोहे की थी पूरी, और उसके अंदर शरला शुरला वही नॉर्मली डलता था, लेकिन हैवी वाली पिस्टल थी। मुझे लेके दी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे शादबाग में, ददियाल हमारा था, आई वॉज लाइक ऑन 8 या 9 साल, हाँ इतने का ही होंगे मैं, ठीक है। तो चाचू के 3 बेटे थे मेरे, सबसे बड़ा वाला जो बेटा था ना मेरा भाई है सबसे बड़ा, तो ना वो बड़ा सीधा साधा था ना, अब तो खैर वो माशाल्लाह फुल क्रुंडिया, उस टाइम पे वो बड़ा सीधा साधा साऊ बच्चा था हम सब में, हालांकि सबसे बड़ा था वो, ठीक है। वो सोया हुआ ऐसे उल्टा करके ना,
चांद रात होगी हुई है शुरू, बच्चों की क्या ही चांद रात है, असि बचपन से ही बच्चे नहीं सी है, वो उल्टा करके सोया हुआ ऐसे उसके पाँव इस तरह है, ठीक है, मैंने आके ना ऐसे उसके पाँव के पास पिस्तौल रखा, शरला फुल लोड हुआ और ठा फायर मार दिया, ठीक है, वो चीखे मार के बेड पे उसने हाल हाला मचा दिया, मम्मा पापा उन्होंने डोला, मैं डर गया, मैं कह लिया क्या आई, मेरा चाचा आया, चाचू का बेटा था, चाचा मेरा, मेरे चाचा ने पिस्तौल फोड़ा, थड़ कर दी मारी, मेरा पिस्तौल तोड़ता, मेरा 900 का पिस्तौल सारा तोड़ता, ये बचपन का किस्सा मुझे अभी तक सारा डिटो याद है, मैं बड़ा ही रोया, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड फ्लोर हमारा था, फर्स्ट फ्लोर मेरे चाचा का और फर्स्ट फ्लोर पे ही दूसरा कमरा था अबू का था, सारे इकट्ठे रहते थे, ठीक है, चाचू ने पिस्तौल तोड़ दी, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ने भी गलत की तो उसके पाँव पे लाश पड़ गई सारी ना, ऐसे विदाउट एनी गैप ये रख के ऐसे ही मार दिया, ठीक है, पिस्तौल तोड़ दी उन्होंने, ठीक है, तो मैं रोता रोता जो है सो गया, सुबह जब मैं उठा तो मेरा ख्याल है कोई 7:15 बजे मैं उठा, नमाज नमूज क्या ही पढ़नी होती थी, बच्चे थे हम तो, ठीक है, तो मेरे सिरहाने के पास डिट्टो वही डब्बा पैक पिस्टल रखा हुआ था, वो कौन लेके आया, अम्मा, अम्मा ना, क्या बात, मेरी अम्मा लेके, क्या मैं बात अम्मा से ऐवें ही नहीं, अम्मा से जानवर था, क्योंकि क्योंकि भाईजान अच्छा ठीक है, पिस्तौल 900 का पिस्तौल आ गया कोई बात नहीं, लेकिन एक तो 900 बहुत मैटर करता था उस टाइम पे, ठीक है, वो जो गलती की थी, हालात काफी खराब जा रहे थे, अब्बा जी जो है वो कुवैत से वापस आ गए हुए थे, ठीक है, कोई इतनी खास आमदन नहीं थी, 900 के पहले लीवर टूट गई, 900 की दोबारा आई, अच्छा अब यहाँ पर बात यह है कि चांद रात को टूटी है वो, जब दुकानें शुकानें बंद हो गई हैं, सुबह जब मैं उठा हूँ ईद वाले दिन तो पिस्तौल आई कितों, मम्मा कहती मैं बंद दुकान खुलवाई सी, मैंने पूछा मम्मा से, मैं कहा पिस्तौल आई कितों सी, तब तो नहीं था पता क्या, ठीक है आ गई, बाद में पूछा जब कोई होश संभाली ना, तब पूछा मैं कहा पिस्तौल कितों आई सी, कहते तेरे मामू का फोन कराया था, मेरे मामू ऐसा जो थे उस टाइम पे, अब तो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट में, तेरे मामू का फोन करा के दुकान खुलवाई सी, उसको पिस्तौल लेके आई सी, सुबह तो उठा तेरे सराहने पिस्तौल पे आ सी, ये मुझे अभी तक याद है, और बड़े किस्से हैं लेकिन याद ये मुझे मतलब जुबानी है, ये बहुत अच्छा रहता है, एक और पॉइंट भी है, हैं वहां पर ना माँ जी ने इसलिए तुझे पिस्तौल दी थी कि तूने चाचू के बेटे को मारा, अगर मामू के बेटे को मारा होता ना तेरे लाल और ज्यादा डलती थी, खुदा की कसम मेरी ननिहाल साइड, मेरी ददियाल साइड, इवन मेरी फुफ्फो भी, यार मतलब मैंने बहुत देखा है फुफ्फो के वही मतलब हर चीज ट्रॉल करते हैं, होती भी है ऐसे समटाइम ना, लेकिन मेरा खानदान बहुत हीरा खानदान, मैं फेमस जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट की अम्मा के साथ, मुझे किसी ने नहीं कहा तू की करण लग पे है, माँ लैके आ गए हैं, एक दो बार मुझे मेरे मामू ने कहा यार माँ तेरी मतलब 5 वक्त दिन नमाजी है, लेकिन फिर उन्होंने देखा ना मेरी माँ के साथ से दुपट्टा उतरता है, ना कोई ऐसी वल्गर चीज है, ना मेरा किसी, ये दो है ना मुझे दिखा दो, मेरा इनके अलावा कहाँ पर बैठना उठना है, अब अगर हो गया हूँ फेमस या कुछ 4 बंदे जानते हैं ना, इसके बाद भी नहीं, यहाँ पर आपका 100K फॉलोअर नहीं होता और आप पहले लॉबीज में बैठना स्टार्ट कर देते हो, क्यों कि 100 का 1 मिलियन हो जाएगा इनके साथ बैठेंगे तो, फेमस के साथ बैठेंगे तो वो ये है कि मेरा ननिहाल साइड देख लो, ददियाल साइड देख लो, बहुत प्यारे लोग हैं यार, क्योंकि वो सरियल रजे ने सारे, जिसको दोपहर को जाते हैं ना पैसे, वो अपना आप बताता है, उसकी जुबान बताती है, जरा सरगी लगा रह जाए ना, उसकी जुबान बताएगी कि हाँ भाई मैं इस तरह को, मेरे सारे ही सपोर्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, nice. क्या बात है, लेकिन उसने जरा फनी साइड छेड़ी और अच्छा था, कुछ नहीं होता तेरी फनी साइड लोगों ने देख ली, हां जुल्कर आपका कोई किस्सा, कोई और मार दे, कोई और मार, आपका कोई किस्सा, यार मैं सही बात बताऊं मुझे कोई किस्सा याद नहीं, क्यों चल बाहर हो, चल बाहर क्यों, कसम से नहीं याद, क्यों कैसे, कोई तो होगा, कसम से अल्लाह की, चल जवानी का सुना दे, जवानी का सुना दे, अभी का सुना दे, कर दी सुना दे यार, जवानी का नहीं याद इसको, नहीं आप इस तरह याद, हमारे साथ वाला सुना दो कोई, यार वो भी याद नहीं है, बाहर में जाऊं मैं भी, वो भी याद नहीं है, बहन आप जरा सुनाए ना ताकि इसको याद आए, नहीं नहीं आप जरा सुनाए बहन, एक होता है ना बंदे के माइंड में क्लिक कर रहा हो कि हाँ भाई हाँ यार वो मुझे याद आया, इस तरह का कुछ, अभी बहन थोड़ा सा बताएगी, पूरा जहान इसने फिर लिया अपनी बेटी के साथ, अपनी बेगम के साथ, इनको किस्सा याद नहीं आ रहा, ऐसे किससे चार मैं सुना था, मैंने सुनाए नहीं, नहीं वो चांद रात का पूछ रही है स्पेसिफिक करके, बहन आप हिंट दें ऐसे कोई अच्छा जो आपको याद हो, अभी कमल से पूछ रहा हूं वो चार सुना देगी, कमल से पूछ रहा हूं वो चार सुना देगी, मैं कह रही हूं मुझे कुछ नहीं याद, मुझे याद है पर मतलब जुल्कर से पूछा गया तो जुल्कर ही वैसे सुनाता तो ज्यादा बेहतर था, मुझे खैर अपने बचपन का याद है, बचपन में वैसे जैसे वो कह रहा है कि ईद का वाकई नहीं पता होता था, लेकिन मेरी हर चांद रात पे यही कोशिश होती थी, जैसे मैं मामू लोगों के पास रहती थी हमेशा, तो वही मेरे वालिद वही मेरा सारा कुछ, तो मेरे एक मामू जो सबसे बड़े हैं वो तो सारे मेरे मामला देखते थे, खर्चा वगैरह मेरा, मामा का, सबका, उसके बाद जो दूसरे वाले जो दो जुड़वा थे वो ये देखते थे कि ईद शबरात, मतलब उन्होंने देखना कि इस बंदे ने मुझे ईद की ये चीज़ें ला के देनी है, शबरात की एक बंदे ने ला के देनी है, और जो छोटे वाले मामू थे वो थोड़े कंजूस लेकिन है बहुत अच्छे, वो थे वो मुझे हफ्ते के 100 रुपया देते थे,
एक हफ्ते का 100 रुपया देते रहो, मेरा दिल करता रहा मुझसे उस 100 रुपए को ना कहीं फ्रेम करवा के रखूं कि मतलब इस बंदे ने मुझे 100 रुपया दिया। प्यार वो भी बहुत करते थे लेकिन कंजूस थे। तो इसी तरह मुझे चांद रात का एक किस्सा याद है कि अफजाल मामू मेरे, वो ना मुझे एक दुकान पे ले गए सुनार के पास। तो उन्होंने ना वो रखी होती हैं ये बच्चों की पोनिए, क्लिप्स, पिंस वगैरह और चुटकिए, माला और छोटे छोटे ईद कार्ड। तो उन्होंने ना मुझे इतनी बास्केट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इतनी बास्केट ना भर के ले आए वो घर। तो उन्होंने मुझे शॉपर ला के दिया, उन्होंने कहा बच्चे अपनी ना दोस्तों को दे दो जिस चीज को देना है। तो मेरी ना जो बचपन की भी जो दोस्तें थी ना वो 2 से 3 थी, और 2 से 3 दोस्तें थी लेकिन मैं सबको बुलाती थी। तो मैंने ना ऐसे पूरे मोहल्ले के घर में देखा कि किन किन के घर में बची हैं, उन सब घर में मैं ना ये ईद कार्ड और ईद का एक शॉपर दे के आऊँगी। तो मैंने ऐसे सारे शॉपर बना लिए। खैर एक मैं घर गई, वो ना बड़े एटीट्यूड वाले थे, वो उनकी 2 बेटियाँ थी, 2 ही बेटे थे, वो इतने को गंदे, और मतलब गंदे इस सेंस में एटीट्यूड तकब्बुर बहुत ज़्यादा था उनमें, जबकि है कुछ भी नहीं था, है कुछ नहीं था, उनका बिहेवियर बड़ा बुरा था। खैर मैंने ऐसे दरवाज़ा नोक किया, उसकी अम्मा आई हैं, नहीं उसकी दादू आई है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो लड़की का नाम नहीं मैं लूँगी, मैंने कहा वो घर है, कहती नहीं। मैंने कहा तुम किस लिए आई हो, मैंने कहा वो ना मैं ईद का एक शॉपर लेके आई हूँ, ये चांद रात का मेरी तरफ से गिफ्ट है। कहती रुको रुको मैं उसकी अम्मा को बुलाती हूँ। उसकी अम्मा आई, मैंने कहा आंटी वो आपकी छोटी बेटी है। हाँ तुम किस लिए आई हो, मैंने कहा आंटी वो ना मैं ये चांद रात का लेके आई हूँ, गिफ्ट है मेरी तरफ से। खैर रुको रुको मैं उसके अब्बू को भेजती हूँ, मैंने कहा। इसी तरह उसके अब्बू ने भी आके यही सवाल किए, अब्बू ने कहा रुको रुको नहीं नहीं मैं बेटी को भेजता हूँ। खैर बेटी को भेजा उन्होंने, मैंने उसको दिया, मैंने बड़े प्यार से कहा, 2 शॉपर बनाए हुए थे, 2 बहनें थी, तो मैंने ऐसे पकड़ाया, मैंने कहा ये मेरी तरफ से आपको चांद रात मुबारक और ईदी भी है मेरी तरफ से। उन्होंने ऐसे खोला शॉपर और पकड़ के मेरे मुंह पे मारा, उन्होंने मेरे मुंह पे मारा और कहते तू ना मेरी दोस्त कब से बन गई हो, तुम्हारी औकात है मेरी दोस्त बनने वाली, निकल जाओ यहां से। अल्लाह मैं इतना कुरोई, ऐसे नाक मेरा निकल रहा है, नोसी इधर तक आई भी है, काजल मैं बड़ा लांदी सी, काजल फैले आया सारा, रो के सीधा घर आई। तो मेरी बहन पर कसम करना चलो ना नहीं नहीं अब क्या भेजना, खैर नहीं नहीं पर मुझे ये याद है वो किस्सा, मतलब मैं बड़ा उस दिन ना, मतलब वो मेरी इतनी चांद रात वो मेरी खराब हुई थी ना कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। मैं अपनी मतलब जो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी ना, मैं उनकी तरफ भी नहीं कोई गिफ्ट लेके गई। सुबह ईद हुई तो मैं ईद नमाज भी नहीं पढ़ने गई, मैं इतना रोई उस दिन, इतना ज्यादा रोई। तो फिर मुझे एक और ये बात याद आ गई, फिर जब फेमस होने लगी उर्दू पॉइंट पे, काफ़ी फेमस हो गई, लोग जानने लग गए, फिर टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उर्दू पॉइंट पे थी तो उसकी अम्मा हमारे घर आई, कहीं से पता पूछते पूछाते आके घर आके बैठी हैं और आके कहती हैं कमल मेरी बेटी, हाँ कमल कैसी हो, बच्चे ठीक हो, वो यार तुम्हारी कितनी दोस्ती थी मेरी बेटियों के साथ और मैं ऐसे शक्ल देख रही हूँ। और मम्मी को कह रही हूँ मम्मी यार ये देखो ये क्या कर रही हैं। मैंने कहा पुत्र छट पर है, मेरी बेटी की शादी पे जरूर आना है, मतलब उसी बेटी की शादी पे वो बुलाने आई जिस बेटी ने चांद रात के दिन मेरे मुंह पे मतलब मारा गिफ्ट। और मुझे लगता है चांद रात इतना खुशियों वाला दिन है, जैसे कि ईद हम कहते हैं ना कि हम जवान भी हो गए हैं तो हमें मजा नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट है, आपको ईद को सेलिब्रेट करना आप पे फर्ज है, ये खुशी का दिन है। कहते हैं कि अगर किसी के घर कोई मरा भी हो ना तो आप उधर जाए ना, क्योंकि आप जाएंगे जाके रोए तो होंगे वो भी रोएंगे, ये रोने का दिन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हमें रोजों का इनाम मिला हुआ है। तो आपको अगर कोई किसी के घर कोई मरा हुआ है आप उनके घर पहली बात है जाए ना, और अगर आप उनके घर जाएं तो जाके कोई ऐसे रोने धोने वाली बात ना करें, उनको हौसला दे के बच्चे तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, ना मेकअप करें ना वो कुछ करें, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे होके घर बैठो, क्योंकि रोजों के बाद अल्लाह ने इतने सब्र के बाद हमें ये खूबसूरत इनाम दिया। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये सारे पॉडकास्ट में ना ये चांद्रा से रिलेटेड आपको ये सोफिस्टिकेटेड बात हुई है ना, बहुत मजे है, जो सुनकर आंदे खचा ही मार रहा है यकीन करो। सही बात है, नहीं तो हम लोग चुप से ही मार रहे थे, हम लोग नहीं सिर्फ तू। जलाल भी आपका कोई वाक्य है, जलाल भी कोई सवाल है, आप फ्रंट लाइन में आके बैठे हैं, कोई सवाल है आपने? मैं फ्रंट लाइन में, दिमाग में ना कोई बात नहीं आ रही, तो क्या बात करूं यार, सोफिस्टिकेटेड करूं कोई फनी करूं किस तरफ लेके जाए। बात ये है कि बेसिक इस पॉडकास्ट का मकसद यही था कि बैठे और ये मैंने ये वाला मैंने किस्सा अपने मतलब शोहर को भी नहीं बताया, नहीं तो जुल्कर को, जुल्कर को मेरी जिंदगी का हर एक चीज पता है, हर एक चीज। इस तरह के बहन किस्से शायद सुनाते हैं, बंदे को बड़ी हिम्मत। मैं तो भी पूरी चीज हुई होती है बंदे के, मैंने तो भी आंसू को अंदर किया, मैं लोगों ने कहना रोंदी पड़ा ये फिर रोने लगी।
हर्ट होता है इंसान यार, याद रहती है फिर। पर ये है कि मतलब जब आप फेमस हो जाते हो ना, बड़े बड़े आप लोगों को चांद समझने लग जाते हैं, बड़े बड़े आप लोगों को कहते हैं कि यू आर माई सिस्टर, यू आर माई एवरीथिंग, और ये वो, यू आर माई ब्रदर, और ये मेरी बच्ची है, मतलब इस तरह से होता है। नहीं तो आपको कोई ईदी भी नहीं देता था, वो कहना सी अच्छा तनु कितनी दीती है, मेरी 3500 दीती है, 400 देनी है अनु, 500 की दीती है। अच्छा किस्सा याद है, चलो चलो शुक्र है फाइनली फाइनली। बड़ा ही मतलब दिल को छूने वाला, मेरे लिए बहुत ही रुलाई ना मेहरबानी ना रुलाना। कुछ कदनों को ना आदत होती थी, जैसे कि ना वो बिला वजह रोब झाड़ने की होती है कुछ फैमिली इस तरह की, बिला वजह रोब झाड़ना है, कुछ बच्चा जा रहा है ना उसके शफकत शफकत के साथ पेश आने की जगह ना उस पे रोब झाड़ना, इस तरह की वो बड़ा होने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े हैं, तुम बड़े होने के अंदाज को इस तरह से बयां करना कि जी मैं बड़ा हूँ, तो वो शफकत बच्चों पर दिखानी चाहिए वैसे तो इखलाक इसी में, लेकिन वो क्या करते थे कि वो जी बस रोब और एक जलाल टाइप अपना दिखाना। तो चांद रात वाला दिन है, तो ऐसे ही मेरे कजन ना घूम रहे हैं मोहल्ले में, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई भाई क्या कैसे है चांद रात मुबारक, तो मैं कहता हूँ भाई वो ईदी तो थे ना भाई, ईदी में क्या करते हैं मेरे ना मुँह पर रख के चपेट मार बहुत ज़ोर से, इतनी वो हैवी चपेट मारते हैं मेरे मुंह पर कि मैं ना रोने लग जाता हूँ, इस टाइम रोने लग जाता हूँ। अच्छा वो ना चपेट, मैं भी 28 साल का हो गया, मैं तब हूँगा शायद 8 से 9 साल का, मुझे वो भूलती नहीं है, किसी भी जगह वो मेरे सामने आते हैं ना मुझे वो चपेट याद रहती है कि यार मैं ऐसे ही इनके पास प्यार से गया था और इन्होंने मेरे मुँह पर चपेट मार दी थी। और इसी तरह ना एक दफ़ा मेरे वाले साहब और वालदा की ना आपस में थोड़ी बहुत बहस होगी, वाले साहब ना चले गए, वाले साहब घूट के ना चले गए, कहते मैं नहीं पा रहा था देखते, वो भी ऐसे ही कहते हैं, कहते हैं मैं चला टकी दे तुसी मरो उधर पर, मैं टकी दे चला मैं जा रहा हूं घर से। वाले साहब ना इतनी टेंशन नहीं बर्दाश्त करते, और मैं भी ऐसे हूं, मेरे से टेंशन नहीं बर्दाश्त, जल्दी मुझे घर में छोड़ के चला जाता है, मैं ब्लॉक कर देता, मैं कहता हूं 2 घंटे बाद आता हूं ना घर पे, तो मैं नहीं घर पे टिकूंगा। हां बिल्कुल, डिप्रेशन नहीं चाहिए यार, मैं जुल्कर को गुजरा वाला से पकड़ूंगी, ड्राइवर को साथ लेती हूँ और गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, और जुल्कर को वहां से पकड़ती हूँ, फिर जुल्कर के साथ गाड़ी में बैठती हूँ, और वो ड्राइवर वापस गाड़ी लेके आता है। ये नया है, बताए ये बिल्कुल नया है, हो जाए ना बहस, मैं ऐसे करता हूँ गुजरा महाराज तक निकल जाता, और ना ही ज्यादा बदतमीजी करता, कहता मैं अपने घर जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे लिए मैं इधर आया हूँ लाहौर, मैं अपने घर जा रहा हूँ, जबकि खुद के लिए आया, मैं ना निकल रहा हूँ यार, मैं निकल रहा हूँ, मैं भी घर मैंने घूमते फिर तेरे यहाँ ही रहना मोहल्ले में, ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ना, फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं जा मैं निकल रहा हूँ, और साल में एक दिन ऐसा जरूर होता है। ऐसी हुआ कि अबू ने ना अबू एक दिन के लिए लूट कर भाई ले, मतलब हमारे ना 4-5 घर हैं हमारे भाई इलाके, तो अब पूरे क्या किया मेन वाले घर से निकल कर ना, वो हमारे जो घर रेंट पे दिए हुए ना उसमें हम लोगों ने ना 1-2 रूम वैसे ही रखे हुए, कभी वहाँ जाएं रूट के उधर चले जाएं, अब तो वहाँ अबू उधर चले गए, और मेरी दादो भी ना अबू को मनाने गए थे, लेकिन वो भी अबू के साथ बैठ गए, चल पुत्र कोई नहीं चल मैं हूं टेंशन ना ले, दादो ने ना क्या किया कि मैं है। अच्छा ना अब मैं अबू का थोड़ा बहुत लाडला हूँ, तो ये किया कि अबू को मनाने के लिए ना मैं चले गया, मैंने कहा अबू छोड़े यार बाप को, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं, अबू कहते नहीं यार तू जा मैं आ जाऊँगा, मैं कहा नहीं अबू मेरे साथ चलना, अबू कहते तू जा मैं आ जाऊँगा, मैंने ना उसी जगह शायद मेरी एज होगी 21 से 22 साल उस वक्त मैंने रोना शुरू कर दिया अबू के सामने, Why? Because उस टाइम पे ना मुझे ये आ गया, उस टाइम पे मुझे वो मेरे कजन वाली चपेट याद आ, और मैंने ना अबू से रोते रोते ये बात करना शुरू कर दी कि वो भी हमें मारते हैं, वो बिला वजह मारते हैं, मतलब कि बच्चे इतने ज़्यादा एक चीज़ को ना दिल पर ले लेते हैं और दिमाग पर ले लेते हैं, अगर उनको मारा जाए और अगर उनके साथ बिला वजह किसी भी बात पर बदसलूकी की जाए, मिसबिहेव किया जाए, तो वो मैंने अबू के सामने ये बात की ना, अबू मेरे मुझे देखकर भी इमोशनल हो गई, यार ये रोने लग गया है, अबू ने कहा पुत्र तू रो ना, कार जाके रोटी खाने इकट्ठे, चल चल के चल बाइक निकाल चलते हैं। बताने का मकसद ये है कि यार मैं अभी तक ये सोचता हूँ कि कोई बच्चा चाहे 1 साल के, कोई उसे कोई 10 साल के, कोई 12 साल के, कोई 13 साल के,
उस वो कोई भी गलती कर ले उसके साथ हमेशा शफकत से पेश आए, बेशक बिकॉज कोई पता नहीं होता कि बच्चा कौन सी बात अपने दिल में बिठा सकता है और उसको वो ता उम्र शायद लेकर चले। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं अपने कजन के साथ कभी भी गंदा सलूक नहीं करता और ना ही मैं उनको बताता हूँ कभी ये बात जाकर कि आपने मुझे चपेट मारा। अब पता लग जाएगा उनको, दिल से वो जाती नहीं, अब तो आगे पता चल जाएगा, अब पता लग जाएगा, इसलिए भी नहीं जाती लगता। अच्छा वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुमने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, क्योंकि तुम छोटे थे, तुम्हें इस तरह अभी भी आज तक यही फील होता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई क्योंकि तुम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके आज तक। वो तुम्हारे अगर तुम्हारे जितना कोई होता तुम बेशक उसको मारते हो, तुम्हें मारता बात खत्म हो जाती, तुम उसको शुगल में लेते। यस यार, हम सब अपने शुगल में जलाल भाई से पूछने भूल गए। जलाल भाई ने बड़ा होमवर्क नहीं किया, सवाल ही नहीं लेके आए। नहीं सवाल हो गए खत्म, अब बस जलाल भाई से पूछेंगे कि उनकी कोई ऐसी यादगार चांद रात। चांद रात पे ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों का भी यही सीन होता था रोज होत। ऐसा नहीं हुआ, कैसा हुआ यार? किसी तरह भी नहीं हुआ, हमारी चांद रात अच्छी गुजरती थी। चलो यार ठीक है, खत्म हो गई, चलो ठीक है। फिलहाल यकीन करो आपने आज हुई नहीं है, सारे साने साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों की बात हम सुने ना, देखो हम होस्ट हैं, हम तुम्हारी बात सुनने आए हैं यहाँ पे। अपनी इतनी मोजली बात वो भी आज तक को पता नहीं, बहन से रहा नहीं किया, बहन ने कहा कि मैंने बतानी है कुछ तो होगी, भाभी ने कोई चांद रात को डिमांड कर ली होगी। मेरी अभी ये दूसरी चांद रात ही है उनके साथ, तो अभी तक उनके साथ यार देखे साला भी सामने खड़ा हुआ है ना, तो साले का खून खुदा नहीं खुदा की खुदाई एक तरफ जोड़ी भाई। एक तरफ इसने मुझे बताया था लास्ट ईयर चांद रात वाले दिन कि भाई मैंने कहा क्या कर रहा है, 12-1 बजे का टाइम था, कहता कुछ नहीं भाई अभी बस फ्री हूँ, टेंशन थी थोड़ी। मैंने कहा क्या टेंशन, कहता कुछ नहीं यार था बस चपेड़े पड़ गई है। खा खुदा की कसम उन्होंने किस्सा सुनाया था। अबे क्यों खाऊं चश्मे क्यों खाऊं यार जलाल भाई को नहीं किस्सा कोई है यार, छोटो मेरे जलाल भाई को कोई किस्सा नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि यार बड़ा खुशी का दिन है आज भी और कल परसों तरसों, ये तीन दिन बड़े खुशी के दिन। सबको नॉन स्टॉप पॉडकास्ट की तरफ से चांद रात भी मुबारक हो और ईद भी एडवांस मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें और फ्योनियां खाएं। ईदी अगर पहुंचाना चाहें तो हमारे घर पहुंचा दीजिएगा, मेरे घर का तो वैसे ही गूगल पे आने वाला है, कुछ और देर में गूगल पे आ जाएगा घर मेरा। आप गूगल पे सर्च करेंगे रजब बट हाउस दो नहीं नहीं आप लिखोगे सिर्फ रजब आ जाएगा घर, ऐसे आ जाएगा फटाफट। वैसे फ्योनी आ चुकी है, फ्योनी आ गई है, चलते हैं ना बस खाते हैं भी जाके। शुरू करनी चाहिए। अच्छा कल वैसे ना मुझे बहुत ज्यादा पलेखे लगने वाले हैं, रोदे वाले, क्या पानी पीने लगूं रोजा, अगले 2-3 दिन होता है ऐसे। नहीं अभी मुझे अभी भी होता है, अभी मतलब मैं आई हूँ ना यहाँ पे तो मेरा दिल की प्यास लगी हुई है पानी पी ले, फिर मैं नहीं नहीं रोजा है, फिर मुझे याद है जब शुरू कर लिया मैं रोजा था सब रात के टाइम। आपका तो कल भी होगा ना रोजा। वो मीम वाला जलाल भी अल्लाह हाफिज करे इनको। अल्लाह हाफिज यार, आपको मजा आया पॉडकास्ट यार? बहुत मजा आया, तब की बोले कि ये फिर भाई यहां हमें बहुत मजा आया जी, सॉरी ये बात, हमें बहुत मजा आया अपनी बहन और अपने भाई के साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच, और हम इनके साथ बैठे ही इसलिए हैं कि आज चलो कोई चलो, ये लोग तो हैं ही बोरिंग, हम इनकी पॉडकास्ट जाके कमल का भी होता, कमल बोरिंग नहीं है, आप थोड़ा सा जो है ना वो कोल्ड हो गए हैं, सीरियस एस्टीमेट कर रहे हैं, आप सीरियस आदमी हैं, सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे। यार ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया यार। मेरे भाई को क्यों जलील कर रहे हो तुम लोग? सालू वाले ने ऐसी जलेबियां खाने हैं। ओ भाई तुम लोगों ने चले जाने, मैंने इनके पास ही रहना, इनके साथ ही पॉडकास्ट करना, सीधे साधे नहीं साधे सीधे हैं। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग ऑल द लेंथी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, आपको चांद रात मुबारक हो रही है, खुश रहें, आबाद रहें, एडवांस मुबारक। थैंक यू सो मच।